हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि कैसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इमेज को क्लासिफाई करने में यूज़ होता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इन शॉर्ट कि कैसे हमारा कन्वोल्यूशन नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है और कैसे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इनपुट इमेज जो है, पहले उसकी पैडिंग होती है, जिससे जो फीचर मैप प्रोड्यूस आफ्टर अप्लाइंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन वो सेम साइज़ का फीचर मैप प्रोड्यूस कर सके, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो। तो इनपुट इमेज की पहले पैडिंग होती है, जीरोस, एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर दिए जाते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में। फिर उस पर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिल्टर्स, क्योंकि यहाँ पर हर डिफरेंट फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इमेज में से डिफरेंट फिल्टर का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है, फीचर मैप जनरेट होता है, उस पर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म होता है। फिर उसके बाद जो फीचर मैप जनरेट होता है वो मैक्स पूलिंग के पास जाता है, जो क्या करता है, रिड्यूस द साइज़ ऑफ फीचर मैप की साइज़ को रिड्यूस कर देता है, जिससे कम कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़े न्यूरल नेटवर्क को। फिर मैक्स पूलिंग से जो आउटपुट मिलता है वो टू डायमेंशनल अरे होती है, लेकिन उसे हमें एक फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें फ्लैटनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। फिर जो फ्लैटनिंग ऑपरेशन से आउटपुट प्रोड्यूस होता है वेक्टर, उसको एज ए इनपुट दिया जाता है फुली कनेक्टेड लेयर को, जिसको हम डेंस लेयर भी बोलते हैं। और फिर ये फुली कनेक्टेड लेयर एक आउटपुट वेक्टर प्रोड्यूस करता है फाइनली। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वन फिल्टर क्रिएट्स वन करस्पॉन्डिंग फीचर मैप, एक फिल्टर से एक फीचर मैप जनरेट होता है। अगर आप 10 फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हो इनपुट इमेज पे, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो भी 10 फीचर मैप्स होंगे। तो अगर सपोज करो हमने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को डॉग की इमेज, इस इमेज को डॉग क्लास में क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये डॉग की इमेज है। तो इनपुट इमेज, जो भी इनपुट हम देखते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को, वो होती है अरे ऑफ पिक्सल वैल्यूज़ में। जो इमेज की पिक्सल वैल्यूज़ हैं उसको हम एज ए इनपुट अरे के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं कन्वोल्यूशन लेयर्स को। तो कन्वोल्यूशन लेयर्स में क्या होता है, इनपुट पैडिंग अप्लाई करने के बाद जो इनपुट इमेज है उस पर फिल्टर अप्लाई होता है, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है फिल्टर के साथ, और हमें एक फीचर मैप मिल जाता है। ठीक है, इनपुट इमेज सिंगल होती है, फिल्टर्स मल्टीपल होते हैं, और फीचर मैप भी मल्टीपल प्रोड्यूस होते हैं, जितने फिल्टर्स उतने फीचर मैप प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये सारे इनपुट्स किसके पास जाते हैं, मैक्स पूलिंग के पास। मैक्स पूलिंग क्या करती है, साइज ऑफ फीचर मैप को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, यहाँ पर जो फीचर मैप्स होंगे यहाँ पर भी मल्टीपल होंगे। फिर क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो फीचर मैप को जो कि टू डायमेंशनल में है उनको वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। टू डायमेंशनल फीचर मैप्स को वन डायमेंशनल अरे यानी कि वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है फ्लैटनिंग में। फिर उसके बाद ये वाला जो आउटपुट है वन डायमेंशनल अरे यानी कि वेक्टर जो है, वो एज ए इनपुट फुली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को दिया जाता है। फुली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो आउटपुट लेयर है उस पर सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ किया जाता है, जिससे जो आउटपुट प्रिडिक्ट हो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में हो। तो यहाँ पर अगर सपोज़ ये जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क था वो दो क्लासेस में क्लासिफाई कर रहा है इमेजेस को, एक डॉग और कैट, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी डॉग की कितनी है यहाँ पर बता देगा वो, जैसे 0.9 है, और कैट की, इसके डॉग होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है और इसकी कैट होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। और अगर हम देखें तो एक्चुअल सपोज था 1.0, ये पिक्चर जो इमेज थी वो डॉग की ही थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और कैट नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था 1 और 0, और जो इस कन्वोल्यूशन नेटवर्क ने प्रोड्यूस प्रिडिक्ट किया वो क्या 0.9 और 0.1। तो इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0.1 का है, इसका मतलब है इसने सही से प्रिडिक्ट किया है कि ये इमेज जो है वो डॉग की है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को। सबसे पहले क्या होता है, इनिशलाइज ऑल फिल्टर वेट्स विथ रैंडम वैल्यूज। जो फिल्टर्स आप अप्लाई कर रहे हो इमेज पे, इनके अंदर वेट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं कि क्या रखने चाहिए, जिससे डिफरेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके इमेज में से। तो इनको एक रैंडम वैल्यू से इनिशलाइज किया जाता है, और फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और ट्रेनिंग के बाद जो है इनके वेट्स जो हैं वो इस टाइप से सेट कर दिए जाते हैं, जिससे जो मैक्सिमम फीचर्स हैं, जिससे जो है ये नेटवर्क सही आउटपुट को प्रिडिक्ट कर पाए। तो सबसे पहले
तो सबसे पहले फिल्टर को ये वेट्स को रैंडम वैल्यू से इनिशलाइज किया जाता है। फिर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है, इनपुट इमेज कन्वल्यूशन लेयर के पास जाती है, उस पर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म होता है, फिर मैक्स पूलिंग अप्लाई होती है, फिर फ्लैटनिंग होती है, फिर फुली कनेक्टेड लेयर ऑपरेशन परफॉर्म करती है, और फिर हमें फाइनली जो है प्रोबेबिलिटी मिल जाती है हर क्लास के लिए, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। फिर हम करते हैं थर्ड स्टेप में कैलकुलेट टोटल एरर, एरर फाइंड करते हैं, और कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। तो इसमें टारगेटेड प्रोबेबिलिटीज़ का यानी कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सब्स्ट्रैक्शन होता है प्रिडिक्टेड या आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, और उसका स्क्वायर करके सम करके उसको हाफ किया जाता है। तो ये जो एरर है अगर इसकी वैल्यू मिनिमम नहीं आती है तो उस केस में बैक प्रोपोगेशन अप्लाई होता है यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, और वेट्स और पैरामीटर्स जो हैं फिल्टर्स के उनको अपडेट कर दिया जाता है। कब तक ये प्रोसेस रिपीट होती जाती है, जब तक कि हमें मिनिमम लॉस या एरर नहीं मिल जाता, और यही प्रोसेस जो है सभी इनपुट इमेजेस के लिए, जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे कन्वल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे, तो हर इनपुट इमेज के लिए ये पूरी प्रोसेस जो है रिपीट होती रहती है, जिससे जो मॉडल जनरेट हो आफ्टर ट्रेनिंग वो सही से इमेजेस को क्लासिफाई कर सके।